तो फ्रेंड्स, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपको टॉपिक है ब्लड ग्रुप। चलिए हम आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताते हैं, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्लड ग्रुप क्या है, मतलब कि हमारे शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है और उसका क्या यूजेस होता है, कौन सा ग्रुप अच्छा होता है, कौन सा ग्रुप अच्छा नहीं होता। इन सारी जानकारी को आपको जानने की बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो सबसे पहले गाइस देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने की थी। किसने? 1901 में लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। देखिए गाइस, लिखा हुआ है 1901 में लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। लेकिन कुछ कॉमन ब्लड ऐसे थे, कुछ कॉमन ब्लड ग्रुप की खोज, जैसे ए बी ओ की खोज एड्रिनो स्टूली और अल्फ्रेड वॉन डिकर्सेरो ने की थी। कौन किया था गाइस? ए बी ओ की खोज, मतलब ए बी और ओ ग्रुप की खोज एड्रिनो स्टूली और अल्फ्रेड वॉन डिकर्सेरो ने की थी। और उसके साथ साथ जो लैंड स्टीनर के तहत काम करते थे, मतलब कि जो ब्लड ग्रुप की जिसने खोज की थी लैंड स्टीनर, उनके तहत ये सारे लोग काम करते थे। तो उन्होंने सन 1902 ईस्वी में ए बी की खोज की थी। मतलब ये गाइस कि ब्लड ग्रुप की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने की थी, लेकिन कुछ कॉमन ब्लड की खोज एड्रिनो स्टूली और अल्फ्रेड वॉन डिकर्सेरो ने की थी। लेकिन 1902 ईस्वी में जो मतलब लैंड स्टीनर है उनके तहत जो काम कर रहे थे, उन्होंने 1902 ईस्वी में ए बी की खोज की थी। किसकी गाइस? ए बी की खोज की थी। और लैंड स्टीनर ने उनके काम के लिए फिजियोलॉजी में सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था। ओके गाइस, आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आप बात करते हैं ब्लड बैंक की, कि हमारे देश में ब्लड बैंक कब आया, मतलब ब्लड ट्रांसफर कब हुआ, ब्लड ट्रांसफर किस देश में हुआ, किस राज्य में हुआ। तो देखिए गाइस, लुडविक हिसीजे फील्ड और वान डंगर ने 1910 से 1911 ईस्वी में ए बी ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। मतलब एक ये भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने, जिसका नाम है लुडविक हिसजी फील्ड और वाहन डंगर, उन्होंने भी 1910 से 1911 में ए बी ओ की खोज की थी। तो गाइस, ब्लड ग्रुप की काफी लोगों ने खोज की थी। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम ब्लड बैंक। देखिए गाइस, मनुष्य में लगभग चार तरह का ब्लड पाया जाता है। मनुष्य हमारे शरीर में चार तरह का ब्लड पाया जाता है। कितने तरह का? चार तरीके से। लेकिन एक गाइस पॉइंटेड चीजें हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे पहला ब्लड बैंक अमेरिका में 1937 ईस्वी में बनाया गया था। और ब्लड ट्रांसफर 350 साल पहले 15 जून 1967 को दो कुत्तों के बीच में किया गया था। कब गाइस? 350 इयर्स पहले 15 जून 1967 में दो कुत्तों के बीच ब्लड ट्रांसफर का प्रैक्टिकल किया गया था। तभी पता चला था कि ब्लड ग्रुप हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। गाइस, हमारे शरीर में ब्लड तो केवल चार होते हैं, ए बी और ओ। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें अधिक मात्रा में ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे गाइस, कुत्तों में 13 ग्रुप होते हैं और बिल्ली में 11 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। लेकिन गाइस, हमारे धरती पर सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप की संख्या ओ पॉजिटिव है। कौन सी है गाइस? ओ पॉजिटिव। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि मनुष्य में ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता है कि तीन प्रकार के होते हैं, रेड और व्हाइट एंड प्लेटलेट्स, मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। लेकिन गाइस, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, आरबीसीज मतलब कि जो हमारा डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज होता है, आरबीसीज जो होता है गाइस, वो उसका रंग लाल होता है। ये आपको पता है, जिसको आप लोग बोलते हो लाल रुधिर कणिका। मतलब कि मनुष्य का ब्लड रंग हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर का होता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा ना रहे तो हमारा ब्लड का रंग रेड ना रहे। तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे शरीर का ब्लड रेड रहता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका रंग ब्लू होता है, मतलब जिनका ब्लड का रंग ब्लू होता है, जैसे
सीपिया और घोंगा में ब्लू कलर का ब्लड पाया जाता है, किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन के कारण सीपिया और घोंगा में ब्लू कलर का ब्लड पाया जाता है। तो गाइस, हमारे शरीर में रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और जीवों में जिनका रंग नीला होता है, जिनका ब्लड का रंग नीला होता है, वो हीमोसाइनिन की वजह से, मतलब उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ना पाकर हीमोसाइनिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से उसमें ब्लड की रंग ब्लू होता है, और इसका हीमोसाइनिन कारण। ओके गाइस, दूसरी चीजें बात करते हैं, मनुष्य के शरीर में ब्लड कितना होता है। मनुष्य के शरीर में ब्लड गाइस 5 से 6 लीटर होता है। कितना? 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में ब्लड पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में ब्लड पाया जाता है, जैसे सार्क मछली में 190 से 220 लीटर ब्लड पाया जाता है, हाथी में 45 से 50 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो गाइस, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ब्लड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। चलिए बात करते हैं अब, हमारे शरीर में ब्लड का भाग कितना होता है, हमारे शरीर में ब्लड कितने परसेंट होता है। तो गाइस, हमारे शरीर का रक्त में 70% भाग रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है। 70% भाग रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है, और 4% भाग मांसपेशियों के प्रोटीन में, 4% भाग मांसपेशियों के प्रोटीन में, और 25% मतलब 25% भाग लीवर, अस्थि मज्जा, प्लीहा, गुर्दे में पाया जाता है। लेकिन जो बचे होते हैं 1% वो प्लाज्मा के तरल भाग में, और प्लाज्मा के तरल भाग में तथा कुछ सेल मतलब कि तरल के अंश व सेल के एंजाइम में होता है। ओके गाइस, तो ब्लड हमारे शरीर में इस तरीके से पाया जाता है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि रुधिर परिसंचरण की खोज के बारे में। गाइस, एक मेन पॉइंट है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रुधिर परिसंचरण की खोज की। अब हम बात करते हैं गाइस आगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े के, जैसे हम मच्छर को ले लेते हैं। मच्छर जो हमारा होता है उसमें ओ पॉजिटिव ग्रुप पाया जाता है, मतलब कि मच्छर में ब्लड ग्रुप ओ होता है। और मादा मच्छर जो होता है गाइस, वो हमारा ब्लड को चूसती है, लेकिन नर मच्छर जो होते हैं वो हमारे ब्लड को नहीं चूसती है। आपको पता होना चाहिए कि मादा मच्छर ब्लड चूसती है, और नर मच्छर जो होती है वो केवल हमारे मीठे पदार्थों को चूसती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मीठे तरल पदार्थों को नर मच्छर चूसती है, और मादा मच्छर जो होती है वो ब्लड चूसती है। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। जो हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा होती है वो किस प्रकार कार्य करती है, मतलब कितनी तेजी से दौड़ती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ब्लड सेल की पूरी बॉडी का चक्कर लगाने में 30 सेकंड लगते हैं, मतलब कि रुधिर कोशिका को पूरी बॉडी का चक्कर लगाने में गाइस 30 सेकंड केवल लगते हैं, और वो 20 सेकंड में 1,12,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1,12,000 किलोमीटर की दूरी वो 20 सेकंड के अंदर तय करती है। तो सो गाइस, आप समझ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड हमारे शरीर में कितनी तेजी से चक्कर लगाता है, कितनी तेजी से चलता है। तो गाइस, आपको मैंने इतना बता दिया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, कौन सा सर्वग्राही होता है, कौन सा ग्राही होता है। चलिए अब इसकी बात करते हैं, आगे देखते हैं। ओके, तो चलिए ए बी, अब बात करते हैं ग्रुप के बारे में, है ना, कि ए कौन सा ग्रुप सर्वग्राही होता है। चलिए देखते हैं गाइस, देखिए ब्लड में ए बी ग्रुप जो होता है, ब्लड में ए बी ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही होता है, और जो सबसे ब्लड को ले सकता है, मतलब कि ए बी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी भी ब्लड से, मतलब 3-4 ब्लड होते हैं ना, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, वो किसी भी ब्लड से मतलब कि ब्लड से ले सकता है। तो ए बी ग्रुप जिसका भी होता है उससे आप किसी मतलब कि उसको किसी भी ब्लड की आवश्यकता होती है, अगर ब्लड की आवश्यकता हो तो वो किसी भी ग्रुप वाले ब्लड से ले सकता है। लेकिन ओ जो हमारा होता है वो सर्वदाता होता है, वो केवल ब्लड ट्रांसफर ओ को ही कर सकता है और किसी को नहीं कर सकता, मतलब कि ओ ग्रुप वाले ब्लड से केवल ओ ग्रुप वाले ही ले सकते हैं, अन्यथा कोई और ब्लड ग्रुप का इंसान नहीं ले सकता है। दूसरी चीज है गाइस, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है,
ए बी ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए सभी से ब्लड वो ले सकता है, लेकिन ओ में एंटीबॉडी पाई जाती है, इस वजह से वो ब्लड सबसे ले नहीं सकता है, नहीं ले सकता, क्योंकि केवल ओ से ही ले सकता है। अब बात करते हैं गाइस कि ब्लड की जो ब्लड का प्रेशर होता है उसे हम किससे नापते हैं, तो रुधिर दाब जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो रुधिर दाब को स्फिग्नोमेनोमीटर से रुधिर दाब को नापते हैं। ओके गाइस, चलिए गाइस एक चीज और, मानव के ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है, मानव के ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है जिसमें से 90% पानी होता है, मतलब प्लाज्मा में 90% पानी होता है। गाइस देखिए, मानव के शरीर में ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90% जल होता है, कितना 90% जल होता है, और मनुष्य का पीएच मान मतलब मनुष्य के ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, कितना होता है गाइस 7.4, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप 7.4 मनुष्य का ब्लड का पीएच मान होता है। ओके गाइस, दूसरी चीज है, मनुष्य के रुधिर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि मनुष्य के रुधिर का ब्लड बैंक किसे कहा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा प्लीहा को, रुधिर का ब्लड बैंक जो हमारा होता है उसे हम प्लीहा कहते हैं। और हमारे शरीर में ब्लड में आयरन नाम के धातु पाया जाता है जिसे हम मेटल कहते हैं, आयरन हमारे ब्लड में पाया जाता है, हमारे ब्लड में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, और मनुष्य के ब्लड को शुद्ध करने की प्रक्रिया को आप क्या कह सकते हो, मनुष्य के ब्लड को शुद्ध करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस डायलिसिस कहते हैं। गाइस दूसरी चीज है, हमारे शरीर में ब्लड जमता भी है ब्लड नहीं भी जमता, उसकी वजह क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे शरीर में ब्लड जो जिसके कारण ब्लड नहीं जमता उस वो हिपेरिन, क्या होता है हिपेरिन, जिसका नाम है हिपेरिन, तो हिपेरिन एक ऐसा चीज है जिसके कारण जो हमारे शरीर में पाया जाता है और उसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता। जब कभी चोट लग जाती है तो आप देखते होंगे कि ब्लड का रंग थोड़ा जब जमने लगता है तो ब्लड का रंग काला हो जाता है और जब जमता है तो काफी दिक्कतें होती हैं, इस वजह से हिपेरिन जैसे नामक पदार्थ हमारे शरीर में पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है। दूसरी चीज है, हम लाल रुधिर कोशिकाओं को मतलब रेड ब्लड को और किस नाम से जानते हैं, रेड ब्लड को गाइस एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, किससे एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और रेड ब्लड को कहाँ रखा जाता है, मतलब हमारे शरीर में रेड ब्लड को आप किस जगह रखते हो, अस्थि मज्जा में रखते हो। गाइस हमारे शरीर में रेड ब्लड को अस्थि मज्जा में रखा जाता है। अब बात चलिए करते हैं हम कि ब्लड के जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स प्लाज्मा इस तरीके जो नाम है इनका यूज क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, चलिए ऐसे लिखे हुए हैं यूज आरबीसी का यूज क्या होता है गाइस, आरबीसी का यूज होता है वो ऑक्सीजन लेकर आता है, ऑक्सीजन लेकर चलता है हमारे शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर देता है जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, वो आरबीसी का यूज होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है गाइस वो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, मतलब कि बैक्टीरिया और वायरस से हमें बचाता है, कौन डब्ल्यूबीसी, तो हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा भी जरूरी है होना और डब्ल्यूबीसी की मात्रा उतनी ही जरूरी है जितनी की आरबीसी की। तीसरा आता है हमारा गाइस प्लाज्मा क्या करता है गाइस, प्लाज्मा जो होता है वो प्रोटीन और ब्लड को जमने से रोकता है, मतलब कि प्लाज्मा ऐसा पदार्थ है जो प्रोटीन और ब्लड को हमारे शरीर में जमने से रोकता है, मतलब कि हमारी बॉडी में प्रोटीन से लेकर चलता है और खून को जमने से बचाता है, ये प्रोटीन लेकर हमारे शरीर में आता है, कौन प्लाज्मा के कारण हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और ये खून जमने से रोकता है, कौन प्लाज्मा। ओके गाइस दूसरी चीज है प्लेटलेट्स, ये खून जमने में मदद करता है, मतलब कि जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो जिसकी वजह से हमारा ब्लड जमता है, अगर कभी चोट लगती है तो ब्लड हमारा प्लेटलेट्स की मात्रा ज्यादा होने से हमारा ब्लड जम जाता है जो हमें काफी दिक्कत देता है, जो हमें काफी मतलब कि ग्रहप्रस्त कर देता है, तो उसकी वजह से गाइस उसकी वजह प्लेटलेट्स है, तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम होनी चाहिए। ओके गाइस तो आपको मैंने सारी चीजें बता दी है ब्लड के बारे में एंड ब्लड ग्रुप के बारे में, तो मेरी आपने वीडियो अगर देखी है फर्स्ट से लेकर
थर्ड वीडियो तक आप देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये मैंने सेकंड वीडियो बनाई है और सेकंड वीडियो में मैंने ब्लड ग्रुप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आप लोगों को। थर्ड वीडियो मेरी जो बनेगी गाइज वो क्वेश्चन पे बनेगी, मतलब कि ब्लड से रिलेटेड काफी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन ब्लड से रिलेटेड होंगे वो थर्ड वीडियो में मैं आपको बनाऊंगी। तो गाइज आप लगातार कंटिन्यू आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। ओके गाइस, तो मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। PVR स्टडी में आपका स्वागत है। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना।